प्लीज स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस. आई एम नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया एंड नेवर वॉन्टेड टू बी इन फैक्ट, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उससे. आई ट्राई टू बी ऑन यूट्यूब एज वेल, उस पर भी बहुत टाइम लग जाता है अननेसेसरली अगर आप देखते रहते हैं. मैं कोई ब्रैगिंग नहीं करना चाहता, बट ड्यूरिंग माई मेन्स टाइम माई स्क्रीन टाइम वॉज ऑलमोस्ट पूरे दिन में 30 मिनट्स, दैट्स इट. वो भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए होता था. आई एम नॉट सेइंग कि हर टाइम ऐसा हो, बट यू शुड हैव योर प्रायोरिटीज वेरी मच सेट इन माइंड कि यार हाँ अभी पढ़ना तो अभी पढ़ना है, डेडिकेट योर सेल्फ फिक्स टाइम कि हाँ इस टाइम पे रिलैक्स करना, तो तब कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस. Hi everyone, welcome to another episode of RBI 2022 interview series. Aaj mere saath hain Saurabh. He is from Chandigarh and he has cleared the examination in his third attempt. 2022 exam was his first serious attempt. Isse pehle unhone bas experimentation ke liye ye exam diya tha, but kabhi seriously uski taiyari nahi ki. And he has been a very serious aspirant of RBI. To unse discuss karke bahut sari interesting cheeze aapko pata lagengi. Fortunately, he started his preparation in October 2021. अभी नवंबर 2022 चल रहा है, तो आपके पास उतना ही समय है एग्जाम के लिए. यू विल ऑल्सो गेट अ वेरी गुड आइडिया कि किस तरह से आज के बाद आपको अपनी तैयारी करनी है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सिलेक्शन. बहुत अच्छा लगा दैट यू आर हेयर. थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताना चाहो तो बता सकते हो कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ग्रेजुएशन के बाद क्या किया, उसके बाद आरबीआई करने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई, एंड हाउ डिड यू गो फॉरवर्ड विद इट? हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता. आई बिलोंग फ्रॉम चंडीगढ़. बेसिकली आई हैव कंप्लीटेड माय बीकॉम इन 2018 एंड पोस्ट दैट आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स आल्सो इन कबर्स. दिस ईयर इट हैज एंडेड दिस ईयर ओनली. एंड पोस्ट माय ग्रेजुएशन आई हैव डन, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. आई हैव गिवन 3 अटेम्प्ट्स, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स इटसेल्फ. And post that, in October 2021 itself, I started my preparation for RBI, dedicatedly preparation, almost 18th October. I fairly remember the date as well. And now I have been selected as well. Saurabh, a question hai. Let's get it done with ki UPSC ki tayari kar rahe the. Unfortunately, prelims nahi nikla 3 attempts ke baad bhi. To kitna fayda tumhe lagta hai, kahan kahan par, aur kitna fayda UPSC ka tumko RBI ki journey mein hua? Definitely, sir. I understand this notion comes because there is a myth going on around in the groups as well. कि जिनका UPSC background होता है या जिनका सिर्फ MBA background होता है, वो ही होता है. उन्हीं का clear होता है. First of all, I'd like to clear this out कि ऐसा कुछ नहीं है. Please understand कि बहुत लोग हुए हैं जिनका UPSC background नहीं है, वो भी clear हुआ है. Secondly, sir, coming to the question, yes, definitely, sir. Before preparation does help somewhere or the other. UPSC preparation में basically मुझे sitting hours का मिल गया था कि हाँ you get into that routine कि हाँ अगर long hours भी पढ़ना तो दिक्कत नहीं होती. फॉर समवन बिल्कुल ही स्टडी आफ्टर ग्रेजुएशन स्पेशली अगर तुम आते हो प्रिपरेशन में तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी मच मैनेजेबल. सेकंडली डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में जैसे होता है कि उसमें पेन एंड पेपर पर लिखना होता है, सो यू हैव अ ब्रीफ आइडिया एज टू हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स, हाउ टू प्रेजेंट योर थॉट्स एज वेल. बट दैट इज ऑल्सो आई बिलीव कि 1-2 महीने की नॉर्मल प्रिपरेशन होती है, यू गेट अ हैंग ऑफ इट एंड इट इज वेरी मच मैनेजेबल. तो इतना कोई अपर एज नहीं होता जैसे लोगों ने बना रखा है कि सिर्फ यूपीएससी वाले ही कर सकते हैं. 3 साल का फेलियर भी लगता है उसमें यार, प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. बट प्लीज डोंट टेक कि हाँ सिर्फ उनका ही क्लियर होगा, यू कैन ऑल्सो डू इट बट गिवन द राइट स्ट्रेटजी इफ यू फॉलो. तो यू आर अनलाइक अदर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो कि नॉर्मली 20-25 दिन 30 दिन पढ़े और एग्जाम. बिल्कुल भी नहीं. आई टोटली हाँ. तो तुमने तैयारी शुरू करी, यू स्टार्टेड इन अक्टूबर 21. तो अक्टूबर 21 से लेके अप्रैल-मई 22 तक जर्नी क्या रही, प्लान कैसे किया, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाया, कौन सा बाद में उठाया, थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करो. द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज गो थ्रू द सिलेबस इटसेल्फ. दिस कम्स फ्रॉम रिग्रेस प्रैक्टिस कि हाँ यार पहले सिलेबस पता होगा तभी पता होगा कि आगे करना क्या है. ऐसी बस देयर इज अ नोशन कि हवा में अंधेरे में तीर चलाना, प्लीज डोंट डू दैट बिकॉज इन द लॉन्ग रन दैट कॉस्ट यू वेरी मच. पहले गो थ्रू द सिलेबस, लुक एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनफैक्ट द डिटेल सिलेबस दैट इज गिवन. उसके बाद देखिए कि आप कौन से चीज में कंफर्टेबल है, कौन से में नहीं कंफर्टेबल. इन माय केस आई वाज मोर ऑफ कंफर्टेबल इन ईएसआई फाइनेंस एंड मैनेजमेंट बिकॉज समवेयर और द अदर आई हैड रेड दोस टॉपिक्स. बट प्लीज ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले पढ़े हुए हैं बिकॉज ऑफ माय एजुकेशन बैकग्राउंड तो आप नहीं पढ़ सकते. और कमिंग टू द अदर पार्ट, फेज वन दैट वॉज द मोस्ट डॉन्टिंग फॉर मी बिकॉज क्वांट एंड रीजनिंग आई एम टोटली लाइक ब्लैंक था उन चीजों में. सो आई रियलाइज कि हाँ पहले करना है तो यही करना है, उसके बाद आई पिक अप द फेज टू इटसेल्फ. So I started with phase one preparation. October में I started. I completed with the basic online videos वगैरह, उससे अपने basics clear करे.
थोड़ा बहुत देखा कि कैसे एडवांस क्वेश्चंस भी आते हैं, बट प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक कि अभी बेसिक्स अच्छे से हुए नहीं है क्लियर और सीधा एडवांस पे मूव कर गए. दिस हैपेंड विद मी एज वेल, और बहुत डिमोटिवेशन आई बाद में कि मुझसे तो एडवांस क्वेश्चन हो नहीं रहे कि शायद मेरा क्लियर ही नहीं होगा, बिकॉज द मेन पॉइंट लैकिंग वॉज क्योंकि मेरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे इन द क्वांट रीजनिंग इटसेल्फ. प्लीज क्लियर द बेसिक्स एंड गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल. एंड इंग्लिश के लिए मेरी इंग्लिश इट वॉज अ डिसेंट वन, नॉट लाइक कि आई एम शेक्सपियर समथिंग, बट इन दैट रिस्पेक्ट आई डिड व्हाट आई डिड वाज गिव द मॉक्स इटसेल्फ एंड मेड शॉर्ट नोट्स ऑफ द मॉक्स फ्रॉम मॉक्स लर्निंग. आई स्टार्टली रिमेंबर आई मेड 2 to 3 डिफरेंट शीट्स एज टू वन वॉज द वोकैबुलरी पार्ट बेसिक, कि कोई न्यू वोकैबुलरी का वर्ड हमने सीखा सो यू कैन डेफिनेटली यूज इट इन डिफरेंट प्लेसेज, एंड वन वॉज द idioms एंड अदर पार्ट which could be used as a fodder part for the English descriptive. So do a multi diverse preparation. कि एक नहीं, ये नहीं कि बस सिर्फ phase 1 के लिए prepare कर ले तो कहीं उसको use ही नहीं करना. Similarly for the GA part, उसमें भी मैंने ऐसा था कि मेरा focus main था GA और English पे, क्योंकि स्मार्ट स्ट्रैटेजी इज वॉट कि तुम्हें सिर्फ क्लियर करना है फेज 1, ऐसे नहीं कि 200 में से 200 लेके आने हैं कुछ भी है, बट प्लीज मेक श्योर कि आप इतना जरूर अच्छे से प्रिपेयर करें कि आपका रीजनेबली कट ऑफ क्लियर हो जाए. तो आई स्पेंड मेजोरिटी ऑफ माई टाइम इन जीए एंड इट हेल्प मी इन माई फेज 2 एज वेल. दिस वॉज अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ हाउ थिंग्स वेंट फॉर मी इन फेज 1 एंड फेज 2. मेरे दो क्वेश्चन हैं, एक तो जीए में फेज 1 से पहले आई एम अज्यूमिंग कि तुमने फेज 1 फेज 2 दोनों का करंट अफेयर्स साथ में कवर कर लिया था, तो व्हेन डिड यू स्टार्ट विद योर करंट अफेयर्स, अक्टूबर इटसेल्फ या फिर बाद में स्टार्ट? अक्टूबर इटसेल्फ, आई स्टार्टेड इमीडिएटली फ्रॉम अक्टूबर, क्योंकि पता नहीं होता कि कब नोटिफिकेशन आ जाए, अनलाइक डिफरेंट एग्जामिनेशन जहां पे थोड़ा सा कैलेंडर डिफाइंड होता है. सो जब से आप स्टार्ट कर रहे हो तब से स्टार्ट कर दीजिए. डोंट गो इन द नोशन कि हाँ जब नोटिफिकेशन आएगी उसके 3 महीने पहले करेंगे, दैट इन माई ओपिनियन इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी. अभी से करेंगे, साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे, हो जाएगा, बहुत मैनेजेबल होता है. ऐसा नहीं कि बहुत ईजी है, सम पीपल पोर्ट्रेज इस नोशन की यार मैंने तो सिर्फ 2 महीने पढ़ा और बहुत आसानी से निकल गया. मेरे केस में नहीं था, सो आई कैन नॉट वाउच ऑन दैट एस्पेक्ट, बट अभी से रिग्रेसली और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करेंगे तो थोड़ा सी जर्नी इजी रहेगी. तो मतलब ये ना सोचें कि जीए तो 3 महीने का करना है तो बाद में उठा लेंगे. नहीं, प्लीज डू नॉट डू दैट, क्योंकि जीए इन इटसेल्फ इज अ वेरी बल्की टॉपिक, और जब तुम स्टार्ट करोगे देन यू विल रियलाइज कि कितने सारे न्यू टॉपिक्स हैं, यू विल गेट इंटिमिडेटेड यार इतना सब तो हो ही नहीं रहा, अब तो बस सिर्फ जो बुकलेट्स आ रही हैं पीडीएफ आ रही हैं वही कर जाऊं. प्लीज डू नॉट डू दैट, स्टार्ट अभी से थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करो. डोंट लाइक अभी एक दिन जाके सारी किताबें उठा ले, ऐसा भी मत करो, वो भी होता है, एक एक्साइटमेंट होती है कि न्यू बुक्स आई हैं, बट डोंट गो विद दैट फ्लो. धीरे धीरे बिल्ड अप योर पेस, बिल्ड अप योर टाइम कि हाँ कितना टाइम दे पा रहे हो, कैसे रिटेन हो पा रहे हैं फैक्ट्स की नहीं हो पा रहे. व्हाट आई डिड वाज कांस्टेंट रिवीजन ऑफ जीए, उससे थोड़ा देखता था कि हाँ यार क्या चीज मैं भूल जाता था, बिकॉज स्पोर्ट्स वॉज वन थिंग दैट आई ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉरगॉट, कि नहीं याद रहता कि कौन सा क्रिकेट रिटायर हुआ है या कौन सा वो पर्सन है. तो दैट रिक्वायर्स अ कांस्टेंट एनालिसिस एज वेल, वो कीजिए फिर उस चीज पे ज्यादा फोकस करिए एंड थ्रू दैट एस्पेक्ट यू कैन प्रोग्रेस फर्दर. तो फेज 1 फेज 2 दोनों का करंट अफेयर साइमल्टेनियसली यू स्टार्टेड इन अक्टूबर इटसेल्फ, क्योंकि इफ यू सी द प्रीवियस पैटर्न 1 महीने का ही टाइम होता है, इतना कुछ पाइल अप हो जाता है फेज 1 के बाद. पहले तो एंग्जायटी होती है एक डेढ़ हफ्ता कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है स्टूडेंट्स का, और अगर हो गया क्लियर तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है कि पहले डेढ़ हफ्ता निकल गया. तो प्लीज डोंट गो विद दैट थिंग, स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, क्योंकि तब सिर्फ आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ रिवीजन जितनी होगी उतना ही बेस्ट रहेगा. दैट्स वेरी गुड. तो ये एक शॉर्टकट नहीं यूज किया कि आई विल प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस टुवर्ड्स दी, बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट माय फेज 2 प्रिपरेशन वाज पर्टिकुलरली डन बिफोर फेज 1 इटसेल्फ, इट वाज टोटली कंप्लीट. हाँ रिवीजन वाला एस्पेक्ट होता है वो तो डेफिनेटली बाद में आता ही है, क्योंकि यू हैव टू चेंज गियर्स आफ्टर द नोटिफिकेशन कम्स, कि सब में एक बूस्ट आया था कि जैसे अपॉइंटमेंट लेटर आ गया हाथ में. प्लीज डोंट गो विद दैट थिंग, अपने गियर्स अकॉर्डिंगली चेंज करिए कि हाँ अब क्या जरूरत है, कब क्या जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई योर स्ट्रेटजी. बट मेक श्योर आपका फेज 2 कंप्लीट हो पहले फेज 1 से, तभी यू विल बी इन अ रिलैक्स्ड स्टेट कि हाँ आप तो सिर्फ रिवाइज करना है, दैट इज अ इजीयर टास्क कंपैरेटिवली. वी वर टॉकिंग अबाउट शॉर्टकट्स ब्रीफली, तो हाउ मच डू यू थिंक शॉर्टकट्स आर इंपॉर्टेंट इन क्वांट एंड रीजनिंग, बिकॉज योर क्वांट एंड रीजनिंग वॉज वीक. देखो शॉर्टकट्स तभी आएंगे अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे, वरना मेरे पास भी लिस्ट पड़ी है 2-2, 3-3 पेजेस की बनाए हुए शॉर्टकट्स, एक भी नहीं याद रहता. एंड फर्स्टली अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो तभी तुम शॉर्टकट्स भी अप्लाई कर पाओगे, बिकॉज शॉर्टकट्स इज नथिंग बट डेरिवेशन ऑफ दोज बेसिक एस्पेक्ट्स ओनली. तो वो क्लियर करिए अपना, उसके बाद शॉर्टकट्स पे मूव कर सकते हैं, बट वो भी तभी हेल्पफुल होंगे जब तक आप उतनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे. यू डोंट गिव मॉक्स, यू डोंट अप्लाई दोज शॉर्टकट्स, यू डोंट लर्न फ्रॉम दोज मॉक्स. अगर नहीं करेंगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे को मैजिकली एकदम से कोई भी शॉर्टकट याद आ जाएगा वहां पे, और अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बिना एफर्टलेसली वो सब कुछ याद आ जाएगा कि कैसे होता है.
फेज टू की स्ट्रेटजी क्या रही फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल? व्हेन डिड यू स्टार्ट विद फेज टू? फेज टू आई डेफिनेटली रिमेंबर मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट, कि मेरे को मेरा गोल था कि ऑलमोस्ट लाइक फरवरी से पहले पहले इकोनॉमिक सर्वे और बजट आना होता है, सो उससे पहले मैं अपना मेजर मेजर पोर्शन कंप्लीट कर दूं ताकि आई वुड बी लेफ्ट सिर्फ द करंट अपडेशन क्या होती है. सो उसके लिए आई वॉच द वीडियोस, आई क्लियर द कॉन्सेप्ट्स, प्लीज गो थ्रू द सिलेबस एंड मेक श्योर आपका हर एक टॉपिक अच्छे से कवर्ड हो. डोंट गो विद द नोशन कि यार ये टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा मुझे, ये छोड़ दूं. बिकॉज दिस टाइम व्हाट हैपेंड वाज रोल ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का एक प्रॉपर 15 मार्क का क्वेश्चन था. व्हाट हैपेंड कि मैंने प्रिपेयर जरूर किया था बट थोड़ा सा कम प्रिपेयर किया था, बट अगर मैं भी उसी नोशन से जाता कि बिल्कुल ही छोड़ दूं उसको, सो वो बहुत डिजास्टर हो जाता वहां पे. सो यू शुड बी थॉरो विद एवरीथिंग, बट हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस रख सकते हैं. यूनिकनेस पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं कि व्हाट डू यू फील वाज योर यूनिकनेस, बिकॉज़ दिस वाज योर फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट. तो ऐसा क्या तुमने किया अपने फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट में दैट यू कुड मेक इन टू द फाइनल लिस्ट? बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो तीन तीन चार चार अटेम्प्ट सीरियसली दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू में बार बार पहुंचते हैं या मेंस लिखते हैं बार बार, दैट दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम. तो दो तीन ऐसे क्या पॉइंट्स तुम्हें लगे दैट हेल्प यू स्टैंड आउट? फर्स्टली व्हाट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ इज कि प्लीज एनालाइज प्रिपरेशन कॉन्स्टेंटली. ये नहीं कि मान लो अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो 3 months डाउन द लाइन आई सी कि यार हाँ कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ. नहीं, आइदर डू इट वीकली और मे बी बाई वीकली बेसिस, बट कॉन्स्टेंटली गिव टेस्ट, सी कि मेरा ये टॉपिक वीक है, मैं हर बार ये टॉपिक ही स्किप कर रहा हूँ. जस्ट फॉर एग्जाम्पल फेज वन में कोई भी वो है क्वेश्चन है, मैं यही स्किप कर रहा हूँ. सो यू शुड बी एबल टू सी कि हाँ यार ये मैं स्किप कर रहा हूँ, इस पे वर्क करते हैं. सिमिलरली इन द फेज टू पैटर्न, अब व्हाट आई डिड वाज कि इंग्लिश के लिए मैं वीकली या बाई वीकली बेसिस पे टेस्ट देता रहता था. मैंने फेज वन से पहले ऑलमोस्ट 7 to 8 मॉक टेस्ट इंग्लिश के ही दे लिए थे, बिकॉज आई वॉज नेवर ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया तो मैं इसके लिए नहीं प्रिपेयर करूंगा. द पैटर्न इज डिफरेंट, द सिलेबस इज डिफरेंट, सो यू नीड टू बी थॉरो विद व्हाट इज द एग्जामिनेशन डिमांड्स. तो मैंने 7-8 मॉक टेस्ट लिए, उसमें देखा कि क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ मैं, एनालाइज होते थे. बट मैं क्या करता था कि एक हफ्ते मॉक टेस्ट दिया, उसके 3 या 4 दिन के बाद एनालाइज करता था. जैसे इंग्लिश का मैं पर्सपेक्टिवली बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि यू गेट टू द सेट माइंडसेट कि यार ये पॉइंट्स है, बेटर कुछ हो नहीं सकते मेरे पॉइंट्स. बट 3 to 4 days डाउन द लाइन यू गेट इनटू न्यू थिंग्स, यू लर्न न्यू थिंग्स, देन द पर्सपेक्टिव ओपन्स कि हाँ ये पॉइंट्स भी लिख सकता था मैं, ऐसे लिख सकता था. तो दीज थिंग्स हेल्प डेफिनेटली, कि कॉन्स्टेंट एनालिसिस प्लस उसके ऊपर अपडेशन करना. सेकेंडली, डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स जहां पे हार्डवर्क की ही जरूरत है. दिस थिंग आई बिलीव कि मैंने नहीं किया, कई लोग करते हैं, हो भी जाते सक्सेसफुल, बट मेरे केस में नहीं था तो आई कैनॉट अगेन वाउच फॉर दैट कि ये सब करो तो सक्सेसफुल हो पाओगे. द नोशन ऑफ स्मार्ट वर्क दैट इज बींग डाउटेड, उसके चक्कर में क्या होता था कि मेरा जो हार्डवर्क वाला पोर्शन था वो भी रह जाता था. कि सिमिलरली जैसे करंट अफेयर्स में मैंने नोट्स बनाता था पहले थोड़े थोड़े, मैंने वो भी बनाने छोड़ दिया. आई थॉट कि यार स्मार्ट वर्क है, क्यों नोट्स बनाने, टाइम वेस्ट हो रहा है. What happened is down the line, एक महीने बाद कुछ याद नहीं रहता था, नोट्स में एटलीस्ट कुछ रिटेंशन रहती थी मुझे. सो आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज नॉट अ स्मार्ट वर्क, दिस इज एक्चुअली स्टुपिडिटी कि मत करिए ये सब चीजें जिससे आपको नुकसान ही हो रहा है, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू अडॉप्ट द नोशन कि मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ. स्मार्ट वर्क सिर्फ वही होगा जब आप एक्चुअली में खुद को पता होगा कि हाँ ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और वो भी बाद में रिजल्ट आने के बाद पता चलता है. सो प्लीज डोंट गो विद दोज नोशंस कि किसी ने नोट्स नहीं बनाए तो मैं भी ना बनाऊं. मुझे तो नोट्स बना के याद रहता था तो मैं बनाता था चीजों के, और तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है, आई टोटली बिलीव इट, क्योंकि मैं एक तो नोट्स भी थोड़े स्लो बनाता था तो मुझे बहुत टाइम लग जाता था. बट उसका बेनिफिट ये होता था कि रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कंपैरेटिवली. एक सर ने चीज बताई थी चीट शीट जिसको बोलते हैं, आई स्पेसिफिकली रिमेंबर कि मैंने वो बनाई थी चीट शीट, नॉट पर्टिकुलरली स्पॉटलाइट की बट डिफरेंट टॉपिक वाइज चीट शीट बनाई थी मैंने उसकी. उसमें एक्सेल का भी मैंने यूज किया था, ऑनलाइन में अपने डाटा पॉइंट्स लिख लेता था, वो मेरे को मेंस में बहुत हेल्पफुल रहा था. तो दीज आर सम थिंग्स दैट आई कैन से कि ये चीज आप इम्बाइब करिए और फिर देखिए कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं प्रोग्रेस उसमें आपके प्रिपरेशन में. अगर फिर भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा फिर से कॉन्स्टेंटली, एंड देन मे बी यू कैन सक्सीड. सौरभ, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सिलेबस पार्ट. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक कि ESI, फाइनेंस मैनेजमेंट इनके सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो हम सिलेबस को छोड़ देते हैं या लेट्स नॉट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इट. आप तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? कितना इंपॉर्टेंट सिलेबस है और कितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है? ऐसे किसी को वेटेज नहीं दे सकते, बट यस बेसिक्स जब तक क्लियर होंगे तभी करंट अफेयर्स उसके साथ लिंक कर पाएंगे आप. आई वुड से बोथ को हैंड इन हैंड. ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर से ही पेपर आता है और सिर्फ बेसिक से ही पेपर आता है, नहीं,
जब तक आपके आंसर्स में दोनों चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, बिकॉज 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है तो दैट डेफिनेटली अज्यूम्स अ डिफरेंट इंपॉर्टेंस एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट. ऑब्जेक्टिव में तो कई बार क्वेश्चंस आते ही हैं करंट अफेयर से, इस बार भी आए थे, तो वहां पे पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स का पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है. बट इफ यू से मिक्स एंड मैच दोनों का करेंगे तभी आपको लगेगा कि एक होलिस्टिक प्रिपरेशन कर रहे हैं, वरना आधा टाइम आप करंट अफेयर्स ही करते रहेंगे एंड यू विल बी जस्ट इन द नोशन कि हाँ मैं तो प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट इज दैट अ रियल रियल प्रिपरेशन और नॉट, ये फिर एग्जाम में पता चले दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी. पहले पता चल जाए तो अच्छी बात है, यू कैन इंप्रूव अपॉन कि हाँ बेसिक स्ट्रॉन्ग है मेरे, अब कोई बेसिक से क्वेश्चन आता है तो मैं आई कुड बी एबल टू अटेम्प्ट. अब दिस आई रिमेम्बर अच्छे से कि एक दो क्वेश्चन स्ट्रेट आउट बेसिक से आए थे, उनके साथ मैंने करंट अफेयर्स को लिंक किया था एक्चुअल पेपर में, सो दैट मे बी हेल्प मी गेट एन एज ओवर द अदर पीपल हु जस्ट सोली फोकस ऑन द करंट अफेयर्स पार्ट. तो अगर किसी को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो व्हेन यू स्टार्टेड फॉर एग्जांपल हाउ डिड यू एलोकेट योर डे, हाउ डिड यू डिवाइड योर डे, कि एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है और फिर करंट अफेयर्स करना है, किस तरह से एलोकेशन रहता था डे बाय डे? डे बाय डे नहीं था मेरा, थोड़ा सा ऐसे था कि पहले मुझे फेज वन कंप्लीट करना था, फेज टू मैंने बिल्कुल भी नहीं टच किया था थोड़ा टाइम तक, ऑलमोस्ट लाइक दिसंबर तक मैंने फेज टू नहीं टच किया था, तो उस टाइम पे मेरा सिर्फ फेज वन पे प्रिपरेशन रहता था. मेजर फोकस मेरे को पता था कि मैं जीए पे करूंगा तभी बेनिफिशियल हो पाएगा मेरे लिए, तो सुबह उठते ही आई यूज टू डू जीए, क्योंकि भाई कौन से स्टार्ट करना चाहता था मैं अपना दिन, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, इट गेट्स टैक्सिंग. उसके बाद यू कैन रिलैक्स फॉर अ बिट, देन अपने कॉन्ट के सब्जेक्ट उठा लो, रीजनिंग उठा सकते हो, इंग्लिश का मॉक टेस्ट दे सकते हो. बाय दिस डे बाय दिस स्ट्रेटजी आई यूज टू सेग्रीगेट माय डे. उसके बाद दिसंबर के स्टार्ट में ऑलमोस्ट आई पिक्ड अप द ईएसआई एंड फाइनेंस के टॉपिक्स, वो स्टार्ट किए, बट साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपना क्वांट रीजनिंग वाला देखता रहता था, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो, वरना वो ऐसी चीजें हैं कि यू टेंड टू फॉरगेट वेरी इजीली, भूल जाओगे कि प्रैक्टिस ही नहीं करोगे उसकी, तो उसका बस एक दो घंटा प्रैक्टिस कर ली अपनी, साथ साथ यू गेट स्टे इन टच, यू कैन इजीली फिर हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है वो चीज. लेट्स कम टू इंटरव्यू नाउ, बिकॉज दिस वॉज योर फर्स्ट इंटरव्यू विद आरबीआई और एंड यू आर वेरी यंग ऑल्सो, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या अच्छा हुआ क्या खराब हुआ? इंटरव्यू इज लाइक द मोस्ट डॉन्टिंग फेज, अभी भी मैं ये बिलीव करता हूँ इवन आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन और गिविंग द इंटरव्यू, बिकॉज वॉट हैपन्स इज फेज वन और फेज टू में यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि हाँ तुम दो मिनट सोच सकते हो, यू कैन जॉट डाउन योर पॉइंट्स, यू कैन स्ट्रक्चर योर आंसर्स और यू कैन स्ट्रक्चर योर थॉट्स. वहां पे इट्स अ बिग पैनल ऑफ लाइक सिक्स मेंबर्स दैट टू आईएएस ऑफिसर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, यू आर नॉट अ हैबिचुअल टू मीटिंग सच पीपल एंड दैट टू इन अ वेरी इंटेंस सेटिंग कि हाँ वहां पे तुम्हारा सब तुम्हें देख रहे हैं, इंटरव्यू चल रहा है तुम्हारा, so that is a very daunting phase. But what I did was मेरा result आया था July में और interview था September में, so I decided कि हाँ अपना biodata तो अच्छे से you have to go through each and every word, be particular about even the smallest of the details, like example मेरा pin code लिखा हुआ था तो I went to the even the minutest detail कि इसका मतलब क्या होता है, how is the segregation done and what not. I'm not saying कि हर जगह ये चीज जरूरी होती है, but कुछ aspects पे you cannot miss out the tiny details. Because devil lies in the details, as it is said. So please go through the biodata, and apart from that, the current affairs part becomes very important in the interview round itself. Although basics होने चाहिए, what I did was after the phase two थोड़ा सा gap हो जाता है. So एक बार basics अपने सारे revise कर लो phase two में जो पढ़े होते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि तुमसे basic का question आ जाए और then you go blank कि यार मुझे ये भी नहीं आता. That will make a very awkward situation for you as well. कि confidence बहुत down हो जाता है. सेकेंडली न्यूज़पेपर्स में दो फॉलो करने स्टार्ट कर दिए थे, पहले एक ही था बट एक नेशनल न्यूज़पेपर और एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर मैंने स्टार्ट कर लिया था, ताकि एक ब्रॉडर कवरेज मिलती रहे कि इकॉनमी वाइज क्या चल रहा है. और लास्ट में आई रिमेंबर स्टार्कली कि सितंबर में मेरा इंटरव्यू था 22 सितंबर को, सो सितंबर वाइज मैंने नोट्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे अपने उसके करंट अफेयर्स के, सिर्फ सितंबर मंथ के लिए कि बिल्कुल रिसेंट हैपनिंग्स का मुझे अच्छे से आइडिया हो और एक बार जाने से पहले रिवाइज कर सकूं कि कुछ हुआ है तो आई कुड बी एबल टू जस्टिफाई कि हाँ ये चीजें चल रही हैं. So this was it. But interview में क्या हुआ after all this preparation, what happened is things are very much uncertain. तो तुम्हें नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए. तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरा थर्सडे को इंटरव्यू था और संडे को आई फेल टेरिबली इल, फीवर, आई वॉज डाउन विद फीवर, वॉमिटिंग होने लग गई, तो माई थ्रोट गॉट टेरिबली बैड, अभी भी थोड़ा सा है वैसे. सो वॉट हैपेंड कि इंटरव्यू तब डॉक्टर के पास गया, थोड़ा चेकअप वगैरह करवाया, बट इंटरव्यू राउंड जैसे ही एंटर किया माई थ्रोट गॉट टोटली ड्राई, बिल्कुल आवाज ही नहीं निकल पाए, स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट कि फटाफट अपने आंसर कंप्लीट करने की कोशिश करूं, बट द पैनल वॉज वेरी मच कॉर्डियल एनफ कि उन्होंने थोड़ा बोला कि इतनी जल्दी में क्यों हो, यू कैन टेक योर टाइम आराम से, आर यू कंफर्टेबल एनफ, तो दैट इज लाइक
समथिंग दैट आई फेल्ट कि नहीं यार इस बार इंटरव्यू तो नहीं अच्छा गया, मे बी द नेक्स्ट टाइम इट इज द शॉट. बट इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? बिकॉज द क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड फ्रॉम यू वर वेरी डाइवर्स और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे. तो इफ यू कैन शेयर विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो कि किस तरह से स्टार्ट किया उन्होंने, कहाँ किस डायरेक्शन में वो लेके गए इंटरव्यू को. लाइक हाँ, जैसे मेरा इंटरव्यू बहुत डाइवर्स था क्योंकि ऑलमोस्ट काफी चीजों से मेरे से बात हुई. जैसे मैं एंटर किया, पहले मेरे एमकॉम के बारे में पूछा कि 2018 से क्या कर रहे हो, फिर एमकॉम से क्वेश्चन था कि एक मोटिवेशनल थ्योरीज पे क्वेश्चन था. उसके बाद मेरे उसमें ग्रेजुएशन के टाइम पे एक इंटर्नशिप करी थी मैंने ग्रेपवाइन कंपनी में, सो द नेम इटसेल्फ इज वेरी मच डिफरेंट. तो उससे पूछा कि व्हाट डज द कंपनी ग्रेपवाइन डू, आपका क्या पोजीशन था, आपका क्या रोल था उसमें, आपने क्या सीखा वहां से. उसके बाद एक क्वेश्चन था वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 इयर्स डाउन द लाइन, द बेसिक एचआर क्वेश्चन. उसे मैंने बोला कि सर आई सी मायसेल्फ असिस्टेंट मैनेजर, तो स्टार्टेड लाफिंग कि दैट इज टू बिग ऑफ अ क्लेम टू मेक एंड अदर एस्पेक्ट्स पे बताओ. सो आई सेड कि स्किल सेट्स में आई विल इंप्रूव मायसेल्फ. तो डेटा एनालिटिक्स पे बात हुई, उसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हुई, एंड उसके बाद उस पर बात हुई. डिफरेंट मेंबर थे, उन्होंने सीबीडीसी से क्वेश्चन पूछा बिकॉज अभी जैसे मैंने बोला कि सितंबर के अराउंड काफी न्यूज चल रही थी सीबीडीसी के रिगार्डिंग ही. तो आई हैड प्रिपेयर्ड इटसेल्फ अ टॉपिक कि पता होता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे थोड़ा सा क्वेश्चन थे एक दो. कार्ड टोकनाइजेशन पे क्वेश्चन थे क्योंकि अक्टूबर में डेडलाइन थी, अक्टूबर 1st को डेडलाइन थी, सो उससे करंट अफेयर का क्वेश्चन था. एक था टेक्नोलॉजिकल रिस्क पे क्वेश्चन था बेसिकली, और एक क्वेश्चन था एक और सर ने पूछा कि इंडियन इकोनॉमी वाइज अपना एनालिसिस बताइए कि इकोनॉमी हेल्थ क्या चल रही है, फाइनेंशियल हेल्थ क्या चल रही है इकोनॉमिक वाइज. तो उस चीज पे क्वेश्चन था. तो बस इतना ही था, ऑलमोस्ट लाइक 10-12 मिनट्स का इंटरव्यू था. मतलब टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन थ्योरीज व्हिच इज मैनेजमेंट, एचआर, और उसके बाद टोकनाइजेशन वगैरह जो फाइनेंस में आ जाता है, करंट अफेयर्स एंड फाइनेंस, और फाइनली लास्ट क्वेश्चन किसके, बायोडाटाबेस ग्रेपवाइन कंपनी का, ग्रेपवाइन कंपनी का. तो वो मैनेजमेंट से कनेक्टेड हो गया. तो बहुत डाइवर्स एरियाज से क्वेश्चंस पूछे गए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. कोई एक लास्ट टिप या फिर कुछ एक एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद द स्टूडेंट्स जो तुम्हें लगता है करना चाहिए आने वाले एस्पिरेंट्स को? फर्स्टली एंड वेरी मच जिसको बहुत लोग भी बोलते हैं, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस. I am not on any social media and I never wanted to be, in fact, क्योंकि बहुत time waste हो जाता है उससे. I try to be on YouTube as well, उस पर भी बहुत time लग जाता है unnecessarily अगर आप देखते रहते हैं. मैं कोई bragging नहीं करना चाहता, but during my mains time, my screen time was almost पूरे दिन में 30 minutes, that's it. वो भी थोड़ा बहुत relaxation वगैरह चाहिए होता था. So, I'm not saying कि हर time ऐसा हो, but you should have your priorities very much set in mind. कि यार हाँ अभी पढ़ना है तो अभी पढ़ना है, डेडिकेट योर सेल्फ फिक्स टाइम कि हाँ इस टाइम पे रिलैक्स करना है तो तब कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस एंड कीप अ वेरी मच हैव अ पॉजिटिव फेथ इन योर ओन सेल्फ. मेरे को 4 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने में. इट्स नॉट लाइक कि वन नाइट ओवरनाइट सक्सेस है कि एक महीना पढ़ा और क्लियर हो गया. इट वॉज अ वेरी लॉन्ग जर्नी. मेरे साथ भी अप्स एंड डाउन आते थे, मोस्टली डाउन ही थे क्योंकि एग्जाम्स नहीं होते थे क्लियर, बट ठीक है. यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ कि हाँ हो जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा. That is very much needed in the RDS journey, especially in the competitive examinations. किसी भी field का हो, not specifically RBI, but in any field that is very much required. तभी आप inner motivation से sustain कर पाएंगे कि हाँ क्या need है क्या नहीं है. That's very interesting. So stay away from distractions, but don't stay away from my channel. That is never a distraction, sir. That was actually very much helpful because बहुत useful content आता है. You need to see कि क्या content देखना है आपने, वरना तो आजकल हर कोई reels देख ही रहा है. अगर वही देखते रहोगे तो बस फिर एक दिन तुम्हें भी रील्स बनानी पड़ेंगी. इंपॉर्टेंट चीजें देखिए क्या चल रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि यूट्यूब इज बैड, मैंने भी अपनी बहुत मेजर तैयारी यूट्यूब से ही करी है, बट आई न्यू विच कंटेंट टू वॉच एंड विच टू अवॉइड. सो यू शुड बी सिलेक्टिव इनफ, अपने फ्यूचर के तो सिलेक्टिव हो सकते हैं. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया है, क्योंकि आजकल हर कोई 2-3 घंटे दिन में सोशल मीडिया पे निकाल ही देता है. बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी ज्यादा लग जाते हैं. टाइम फ्लाइज जब तुम उस पे होता नहीं पता चलता. अपने अपने फोन्स में स्क्रीन टाइम अपना चेक करिए प्लीज. दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन कि एनालिसिस कर रहे हो कि मेरा किस चीज में टाइम जा रहा है. ऐसे नहीं कि वो माइंडलेसली वेस्ट आवर्स एंड पता ही नहीं कि कहाँ पे टाइम जा रहा है. वो एक रिकॉर्ड होगा जिस चीज का, उसी चीज पे यू कैन वर्क अपॉन कि हाँ यार यूट्यूब में मान लो 2 घंटे देख रहा हूँ, तो आई हैव टू कट इट डाउन स्लोली स्लोली. ये नहीं कि एक दिन 2 घंटे देखा अगले दिन बिल्कुल ही जीरो कर दिया. दैट वोंट वर्क. डिक्रीज इट स्लोली बट मेक इट अ हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स. थैंक्स अ लॉट सौरभ फॉर कमिंग हियर टॉकिंग विद मी. बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया. वेरी यंग एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल और बहुत ऊपर तक जाओगे.
डिप्टी गवर्नर तक पहुंचोगे, दैट इज माई होप. सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. बहुत अच्छी अच्छी छोटे छोटे पॉइंट्स दिए सौरभ ने, जो कि बहुत यूजफुल हैं फॉर द एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग आरबीआई एग्जामिनेशन. कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, एनी कन्फ्यूजन, एनीथिंग एट ऑल, यू कैन मैंशन इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. इफ यू लाइक द डिस्कशन, मजा आया, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. I'll see you very soon again with another episode of RBI interview series. Till then, take care. Bye-bye.